कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे कहीं भी बैठे सो जाने। हेलो गाइस, आज हमने एक फाउंडेशन ओपन किया है रेनबो फाउंडेशन नाम से, और इसमें हम पब्लिक की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जितना भी हो सकेगा, और इन सब टीम की वजह से मेरा ये सब आप लोगों की वजह से सब चीज़ सपोर्ट हो रहा है, और आगे कितना लेके जा सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम अन्नपूर्णा भोजनालय में यहाँ पर खाना बनवाया है, उसके बाद हम स्टेशन जाएंगे तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये सारे लोग मेरी सपोर्ट करने वाले हैं। चलो तो फिर चलते हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, अभी जैसा भी हो पाएगा जितने भी जल्दी कम्बल का भी करवा देंगे। क्यों, खाना कैसा है? तो गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि विदिशा की कुछ सच्चाई है जो आपके सामने लेके आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से दिव्यांग हैं लेकिन वो भी काम करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं लेकिन उनके साथ में अगर देखा जाए तो कुछ लोग हमें ऐसे मिले थे, अभी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन कोई उनको काम नहीं देता है, उनके जो शरीर देख के, उनके कपड़े देख के, तो उन लोगों की हम थोड़ा सा हेल्प करना चाह रहे हैं, और आप लोगों से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से ये बहुत कुछ हो पा रहा है। हम लोगों में भी उम्मीदें जागती हैं, कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति मिले थे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, उनके बात करने का तरीका, फेस पर बहुत स्माइल भी थी, लेकिन वो उन्होंने बोला, हमने उनसे बोला कि खाना आप लोगे या फिर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि मैं भीख नहीं मांगना चाह रहा हूँ, मैं अगर आप हेल्प करना ही चाह रहे हो तो मुझे एक कोई सा भी काम दिलवा दीजिए या फिर एक कोई साइकिल दिलवा दीजिए, क्योंकि उनका यहीं पर ट्रेन से कटकर उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, तो उस वजह से वो कोई काम पर रखना नहीं चाह रहा उनको, लेकिन वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर उनके साथ में कोई व्यवसाय स्टार्ट करवाते हैं, जैसे उन्होंने बोला था कि मुझे साइकिल पर कोई भी छोटा मोटा सामान रखवा दीजिए जिनको मैं बेच के अपनी पूरा चला लूँगा, अपना व्यवसाय करता रहूँगा, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास भी उतना ज़्यादा फंड नहीं है, तो इसीलिए हम ये थोड़ा सा लाना चाह रहे हैं आपके सामने कि अगर आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, फाइनेंशियली नहीं, किसी चीज़ की जो चीज़ की ज़रूरत है उसमें अगर आप सब लोग मिलकर थोड़ा सा कलेक्शन करके करोगे तो बहुत सारी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। हम भी हमारा सबका टाइम निकाल के ये सब सच्चाई इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आप समय देते हो तो किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है, जो भीख नहीं मांगना चाह रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी भी स्पेंड करना चाह रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब टीम है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, आप लोगों से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग भी करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, आप फील करेंगे कि आपने किसी की हेल्प की है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये करने में बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमार हैं, पर उनको दवाई नहीं मिल रही है और सर्दियों में तो उनके पास कपड़े भी नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने पास जो भी हो, जितना भी बन रहा है उतनी हेल्प करें, कम से कम किसी को हेल्प करने से हमें खुशी भी मिलती है और उनकी हेल्प भी होती है, तो कोशिश जरूर करें। रेनबो फाउंडेशन का आज ऑर्गेनाइजेशन था, हम लोग सिर्फ इतनी सी टीम है, आशा करते हैं कि आगे बढ़ेगा, आप लोग भी बढ़कर हिस्सेदारी लेंगे और फिर सबकी हेल्प करेंगे, इससे हम विदिशा में और हेल्प कर पाएंगे। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम देखी है कि सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उसे हम चाहते हैं कि आगे चल के इन सबका सॉल्यूशन सोच के साथ हमने ये काम शुरू करा है। हम चाहते हैं कि मतलब अपने पास तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अपने पास अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो तो अपन और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, पर ये आप लोगों की मदद के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा, तो बस यही चाहते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करें हम लोगों को भी ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें।